Welcome, my dear students. Today, in this lecture, we are going to discuss revision of our second chapter, what we have done in previous lectures. Second chapter in the sense, जो आपका मैंने second, जो third chapter है, वो second number पे आपको करवाया है, तो उसी का हम revision करने जा रहे हैं. This chapter is our teeth, यानी हमारे दांत. So, important part of our teeth, सबसे इम्पोर्टेंट टीथ जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना. बिना टीथ के हम बॉडी की कल्पना भी नहीं कर सकते. सो ये क्या क्या हेल्प करता है. सो टीथ हेल्प अस इन गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस. ये टीथ की वजह से हमारी फेस को सही प्रॉपर फेस मिलता है, मतलब शेप मिलता है टीथ की वजह से. नहीं तो टीथ नहीं रहते तो मुँह कैसा दिखता है, पूरा खाली खाली. आपने देखा होगा ना 80-90 साल के कुछ लोगों को. बाइटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड, और टीथ इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं. बाइटिंग एंड चेविंग मतलब खाने को चबाने में. टू स्पीक क्लियरली, और बोलने के लिए भी टीथ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी टंग जो है टीथ से टच होके ही सही वर्ड्स के साउंड प्रोनंसिएशन पैदा करती है. ओके सो ये तो बात हो गई कि टीथ हमारे लिए क्या क्या प्रॉफिट या फायदा करते हैं. अब एट द एज ऑफ 6 to 7 months, जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी रहता है तो उसके टीथ नहीं रहते हैं, लेकिन जब वो 6 to 7 months का हो जाता है, लगभग आधे साल से ऊपर का, तो उसको जो है धीरे धीरे टीथ निकलने लग जाते हैं. और वो जब 3 साल का होता है तब तक उसके 20 teeth निकल के आ जाते हैं. जब वो उसकी उम्र 3 साल की होती है तब तक उसके कितने टीथ हो जाते हैं, 20 teeth. इन्हीं टीथ को बोला जाता है मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. ये स्टार्ट कब से होते हैं, 6 to 7 months से. और जब वो 3 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का हो जाता है तब तक उसके 20 teeth कंप्लीट हो जाते हैं. सो इनको बोलते हैं मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. तो स्टार्टिंग में इन्हीं टीथ से काम चलता है. बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो ये टीथ टेम्परेरी रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहते, लेकिन बच्चे इनको जल्दी ख़राब कर देते हैं. और कुछ बच्चे इनको अच्छी केयर करते हैं उनके घर वाले, तो चलता है, अच्छे रहते हैं. आफ्टर एज ऑफ 6 or 7, जब बच्चे 6 या 7 साल के हो जाते हैं, तो ये जो टेम्परेरी टीथ है ये निकल जाते हैं एक एक करके. और वो जब निकल जाते हैं तो उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो कि 28, उनकी संख्या कितनी परमानेंट टीथ की, 28. इस तरह 6-7 साल की उम्र के बाद में 28 परमानेंट टीथ रहते हैं. और 4 teeth और रह जाते हैं, 4 wisdom teeth, जो 20 to 30 की एज में आते हैं, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, है ना. बोलते हैं ना अक्कल दाढ़ आएगी, जो पीछे ऊपर नीचे करके 4 जो मोलार्स और रह जाती है वो बाद में आती है, इनको विजडम टीथ बोलते हैं. तो जब 28 तो परमानेंट पहले आ ही जाते हैं 6-7 साल की उम्र में, और 20 से 30 के बीच में 4 और आ जाते हैं. इस तरह एवरी एडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 teeth. सो कोई भी एक वयस्क व्यक्ति जो एडल्ट पर्सन हो जाता है आफ्टर 30, सो उनको 32 टोटल टीथ हो जाते हैं, ठीक है. इसी तरह अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ यानी एक सिंगल टीथ की, तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है कि सबसे ऊपर का जो पार्ट जो हमको दिखाई देता है, हम आईने में जब खुद के टीथ देखते हैं तो सबसे ऊपर का पार्ट जो दिखता है उसको क्राउन बोलते हैं, और जो अंदर हमारे गम के अंदर है, मसूड़े के अंदर है, उसको रूट बोलते हैं. ये रूट वाला पार्ट हमको दिखाई नहीं देता है, इतना हमको सिर्फ ये इतना क्राउन वाला पार्ट ही दिखता है. जो ये सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, यही है इनेमल. जो वाइट कलर का टीथ दिख रहे हैं ना, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मैटर समझ के चलिए आप, और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है इनेमल. क्या बोलते हैं इस वाइट पार्ट को, इनेमल. इसके जस्ट नीचे सेकंड लेयर होती है डेंटाइन, और इसके नीचे की लेयर होती है पल्प, ये जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह रहती है, और ये गम के अंदर ये टीथ रहता है. नर्व से ये पल्प जुड़ी रहती है ताकि टीथ को प्रॉपर फीड मिल सके, ठीक है ना. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ टीथ की. काइंड्स ऑफ टीथ मतलब कितने प्रकार के दांत होते हैं. सो देर आर मेनली 4 kinds ऑफ टीथ. फर्स्ट इज इंसीजर, केनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. इंसीजर्स कौन से होते हैं, जो फ्रंट के रहते हैं, जो काटने वाले रहते हैं, इसलिए इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं. केनाइंस इनके पास में रहते हैं, जो कि फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं. जब भी कोई थोड़ी मजबूत चीज को काटना रहता है तो साइड से काटते हैं. शुगर केन गन्ना वगैरह खाया आप लोगों ने, तो टीरिंग टीथ यानी फाड़ने के लिए, या इनको टीरिंग टीथ भी बोलते हैं. प्रीमोलार्स यानी इनके जस्ट बाद में जो दांत होते हैं, जो फूल किसी भी खाने को क्रैक करने का, तोड़ने का काम करते हैं, सो इनको क्रैकिंग टीथ प्रीमोलार्स को बोलते हैं.
और सबसे लास्ट में बिल्कुल बारीक करने का काम जो करता है खाने को, उसको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, प्रीमोलर्स को। तो इन सबके दो दो नाम है, इंसिजर्स को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, केनाइंस को टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, प्रीमोलर्स को क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं, मोलर्स को ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। अब टूथ डिके होता है, मान लो सही टाइम पे ब्रश नहीं हो रहा है या रात को सोते वक्त तो कुछ खाना दांत के अंदर अटक जाता है, तो उसमें क्या है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और एक परत जम जाती है टीथ के ऊपर, उस परत को थिन स्टिकी लेयर को बोलते हैं प्लेक। इसी की वजह से टूथ डिके होता है, टूथ डिके मतलब दांत खराब हो जाते हैं, तो वो पूरी लेयर को खराब करके पूरा अंदर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। सो दिस इज प्लेक, सो दिस इज टूथ डिके। इसलिए हमको हमारे टूथ का केयर करना चाहिए, है ना। केयर के लिए आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है कि वी हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे, हमको दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी चीजें दी हुई है, है ना। सो इन दिस वे हमारा चैप्टर का रिवीजन होता है। आप लोग अच्छे से इनको चैप्टर को पढ़िए, आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए होंगे पीडीएफ से, क्वेश्चन आंसर को देखिए, उसका जो है आपके चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आपको जो टेक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके 30 मार्क्स के यूनिट टेस्ट में 15 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। टेस्ट को अच्छे से जैसा भी गाइडलाइन आपको दी जाएगी, क्या टाइमिंग रहता है, किस तरीके से अच्छे से कूल माइंड से आप टेस्ट में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन आंसर वगैरह आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में से पूछे जाएंगे, तो आप लोग उनको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सारे प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे मैच द फॉलोइंग, या वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट करके, और फिर इस चैप्टर का रिवीजन हो गया है, अब आज फिर इसके क्वेश्चन आंसर, कल जो फर्स्ट वाला किया था उसके क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे, आज इसके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, और कल जो थर्ड वाला बचा है उसके भी कर लेना। ओके बाय।